देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को अजमेर में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर अलग अलग विभागों में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभी विभागों के कर्मचारी व अधिकारियों ने परिसर के बाहर मौजूद होकर 11 बजे भाईचारे व एकता की शपथ ली और सभी को बराबर समझ देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज 31 अक्टूबर है जिसे देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मना रहा है और साथ ही हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी आज पुण्यतिथि है। तो इन दोनों कार्यक्रमों को मनाने के लिए दिन भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रातःकाल रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। अभी राष्ट्रीय एकता की शपथ सभी कार्यालयों में दिलवाई जा रही है, यहाँ कलेक्ट्रेट में भी दिलवाई गई है और इसके पश्चात शिक्षा विभाग भी दिन भर अपने विद्यालयों में कई प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है और सायं 5 बजे मार्च पास्ट का आयोजन है जिसमें CRPF, पुलिस, आडिरानी बटालियन, जेल ट्रेनिंग सेंटर और स्काउट, NCC आदि सभी ड्रेस में और अपनी जो यूनिफॉर्म है उसमें बैंड के साथ में मार्च पास्ट करेंगे। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय एकता और अखंडता और सामाजिक सद्भावना को सुनिश्चित करने के लिए और देश में शांति और सौहार्द की कामना करने के लिए हम इन दोनों महापुरुषों को आज याद कर रहे हैं। धन्यवाद। इस मौके पर अजमेर SP कार्यालय के बाहर भी शपथ दिलवाई गई। अजमेर जिला SP कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी अधिकारियों के साथ पुलिस कर्मियों को एडिशनल SP नारायण लाल ने एकता की शपथ दिलाई। आज राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में। वह पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के ऊपर 2 मिनट का मौन रखा गया और राष्ट्रीय एकता के ऊपर शपथ दिलाई गई। सभी मौजूद पुलिसकर्मी और कर्मचारियों को मेरे द्वारा भी शपथ दिलाई गई।